आप सभी लोगों ने देखा होगा कि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को जो घटना हुई, आपने देखा है जो लाल किले तक कुछ लोग पहुंच गए। उसके बाद आपने देखा होगा कि कई तरह की FIR की गई हैं, और आपके एक नाम सुना होगा आपने, शशि थरूर और 6 वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह या फिर राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णय दिया है कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। किसकी? इन सभी लोगों की जिन पर राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह के टॉपिक आपके प्रीलिम्स के पॉइंट व्यू से तो महत्वपूर्ण हो ही जाते हैं, साथ में आपके लिखित परीक्षा में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं कहता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस ना भी पूछे जाए तब भी आपको भारत में रह रहे हैं आप लोग, तो इसके बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आपने देखा है कि 2014 से जब से नई सरकार आई हुई है, तरह तरह की आपने देखा होगा, अगर उसका खिलाफ आप बोल देते हैं तो आपको देशद्रोही कह दिया जाता है, आतंकवादी कह दिया जाता है। नई नई राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की नई नई एक तरह से परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं। इस सरकार को आप लोग छोड़िए, कांग्रेस के समय में भी आप लोगों को यही इसी तरह की घटनाएं देखने को मिलती थी। इस तरह के कानून का दुरुपयोग कर कई सरकारों ने किया है। चलिए खैर छोड़िए, आप लोग कांग्रेस की सरकार को छोड़िए, आप लोग अंग्रेजों के समय जाइए। आप लोग, आपने देखा होगा कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को आतंकवादी कहा जाता था, देशद्रोही कहा जाता था। समझ रहे हैं? तो सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। इतिहास क्या किस किस नजरिए से उन लोगों को याद रखता है, मुझे लगता है कि आप समझ सकते हैं और अच्छे से समझ जाएंगे आने वाले दिनों में। एक बड़ा बड़ा अच्छा आप मोमेंट देखा होगा आपने कि रानी लक्ष्मीबाई का आप लोगों ने नाम सुना होगा और सिंधिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आज आप लोग स्पेशल कोई हिस्ट्री की यानी कि इतिहास की बुक्स आप लोग पढ़िए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि सिंधिया गद्दार था, लेकिन उस समय क्या कहा जा रहा था, सिंधिया देशभक्त है, सिंधिया वफादार है। तो आज मुझे लगता है कि आज अगर किसी को आप लोग देशद्रोही कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, तो इतिहास उसकी आप एक तरह से निष्कर्ष निकाला निकालेगा और इतिहास बताएगा कि वो असल में देशभक्त था या फिर आतंकवादी या देशद्रोही था। तो हम लोगों को इस पर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि हमेशा सरकारें इसका दुरुपयोग करती हैं और नई नई परिभाषाएं गढ़ती रहती हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के बारे में और एक सामान्य जानकारी दे देता हूं आप लोगों को। आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में। समझ रहे हैं आप लोग, संविधान के भाग 5 में अध्याय 4 के तहत आपको एक सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेगा। आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक इसमें व्याख्या की गई है, ठीक है, इसका वर्णन किया गया है। और आप जानते हैं कि सबसे पहले 28 जनवरी 1950 को हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है। हाल ही में आपने देखा है कि उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह IPC की धारा 124A की संविधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर न्यायाधीश S.A. बोबड़े की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता राजद्रोह का प्रभावित पत्रकार नहीं है, अतः और राजद्रोह कानून को चुनौती देने का कोई मामला भी नहीं बनता है। अब आखिर आप लोगों के मन में आता होगा कि ये राजद्रोह है क्या, आखिर किसे हम लोग कह दिया जाए कि ये देशभक्त है और किसे कहते हैं हम लोग कि ये देशद्रोही है या राजद्रोह है। तो देश में राजद्रोहों को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में परिभाषित किया गया है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, या फिर कोई भी आपसे क्वेश्चन अगर करता है कि राजद्रोह की परिभाषा किसमें, किस धारा के तहत कहाँ दी गई है, तो आप समझिए कि जो IPC है आपका इंडियन पीनल कोड, इसकी धारा जो 124A है इसमें इसे परिभाषित किया गया है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के अनुसार जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या फिर संकेतों द्वारा या फिर दृश्य रूपन द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या फिर अवमान पैदा करेगा या फिर पैदा करने का प्रयत्न करेगा या फिर आपत्ति प्रदीप्त करेगा या फिर प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, उसे आजीवन कारावास या फिर 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माना अथवा दोनों से दंड दंडित किया जाएगा। आप समझ रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई काम करता है तो उसे 3 साल की या फिर आजीवन कारावास भी हो सकता है
और आर्थिक जुर्माना भी उस पर लग सकता है, या दोनों इस तरह के दंड दिए जा सकते हैं। इस धारा के अंतर्गत तीन स्पष्टीकरण दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। स्पष्टीकरण पहला क्या करता है, आपरीति पद के अंतर्गत अभी आभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं। स्पष्टीकरण सेकंड क्या कहता है, दूसरा घृणा अवमान या फिर अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या फिर प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार के कामों के प्रति विधि पूर्ण साधनों द्वारा उनके परिवर्तित कराने की दृष्टि से अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध नहीं है। स्पष्टीकरण तीन क्या करता है, घृणा अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या फिर प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध कारित नहीं करती हैं। आपसे मैं पहले भी बोल चुका हूं कि एक तो एक तरह से अच्छी तरह से इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है और इसी का आप लोग देखते हैं कि दुरुपयोग होता रहता है। अब आप समझिए कि सरकार अगर अच्छा नहीं कर रही है, सरकार एक तरह से आप समझिए कि तानाशाही दिखा रही हो, क्या तब भी हम लोग उसके खिलाफ ना बोले? आप समझ सकते हैं कि अगर उसके खिलाफ ना बोले तो किस दिशा में वो बढ़ती रहेगी। भारत में राजद्रोह का एक संज्ञेय अपराध है, अर्थात इसके तहत गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। संज्ञेय का मतलब होता है कि इसमें गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती है, बिना वारंट के भी इसे गिरफ्तार किया जा सकता है किसी को, और साथ ही इसके तहत दोनों पक्षों के मध्य आपसी सुलह का भी कोई प्रावधान नहीं है। इसके अनुसार सरकार या प्रशासन के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आलोचनात्मक टिप्पणी करना अपराध नहीं है। अब कौन सा अपराध है या नहीं है ये तो मालूम चले आके, तो इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। ये भी अब पूछा जा सकता है कि इसका इतिहास क्या रहा है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, कहां से आपका ये कानून लागू होता है, किस तरह से होता है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे ऊपर ब्रिटेन का शासन रहा है, अंग्रेजों का शासन रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों के यहां से हमें मिला होगा देखने को। तो 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में राजद्रोह कानून को अधिनियमित किया गया क्योंकि वहां के तत्कालीन कानूनविदों का मानना था कि सरकार और साम्राज्य के विरुद्ध कोई भी नकारात्मक विचार या फिर टिप्पणी सत्ता के लिए हानिकारक हो सकती है। और आप समझ सकते हैं कि उस समय की सरकारें तानाशाही रवैया रखती थी तो उनके खिलाफ कोई खड़ा ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने एक कानून बनाया 17वीं शताब्दी में। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कि भारत में राजद्रोह कानून की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के वहावी आंदोलन से जुड़ी हुई है। हमारे देश में आप देख रहे थे कि उस समय अंग्रेजों का शासन था और हमारे यहाँ आंदोलन हो रहे थे, तो उन आंदोलनों को दबाने के लिए एक तरह से ये कानून एक तरह से लाया गया 19वीं शताब्दी में। मूल रूप से यह कानून वर्ष 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था। इस नाम को भी याद रखिए, इस डेट को भी याद रखिए। लेकिन वर्ष 1860 में आईपीसी लागू करने के दौरान इस कानून को उसमें शामिल नहीं किया गया था। वर्ष 1870 में सर जेम्स स्टीफन ने स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों का दमन करने के लिए एक विशिष्ट खंड की आवश्यकता महसूस हुई तो उन्होंने भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1870 के अंतर्गत धारा 124 को आईपीसी में शामिल किया गया है। आप समझ सकते हैं, एक बात और आप लोगों को जानने को मिलेगी यहाँ कि आप समझिए कि हम लोग आज भी अंग्रेजों के समय के कानूनों को उपयोग कर रहे हैं, उन्हीं के आधार पर हम लोग चल रहे हैं। आप समझिए उस समय की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है। हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं तो हमें बदल लेना चाहिए था, कुछ अच्छे तरह से उसमें संशोधन करना चाहिए था। लेकिन अभी भी आपको देखने को मिलेगा कई तरह के कानून आपको उसी समय के हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने इस कानून का उपयोग कई स्वतंत्रता सेनानियों को दोषी ठहराने और उन्हें सजा देने के लिए किया था। अब बात करते हैं हम लोग राजद्रोह से जुड़े कुछ चर्चित बात भी हैं और इन याद रखिए इन मामलों को आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हो तब भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, पहला है आपका महारानी बनाम जोगेंद्र चंद बोस, ये 1891 का मामला है। सर्वप्रथम इस कानून का प्रयोग वर्ष 1891 में एक अखबार के संपादक जोगेंद्र चंद बोस के विरुद्ध किया गया क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लेख लिखा था। आप समझिए कि उस समय जिन्हें देशद्रोही आतंकवादी कहा जा रहा था, आज हम लोग पूजा करते हैं उनकी, तो उस समय की परिस्थिति में क्या अलग बात थी। लेकिन आज आप समझ सकते हैं कि उनका किस तरह से निष्कर्ष निकाला जा रहा है, उन्हें क्या समझा जा रहा है।
इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आज जो भी घटनाएं घट रही हैं उसका आने वाला इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास में किस तरह से लोग याद रखते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां किस तरह से हमें देखती हैं, वही मायने रखेगा। मैं पहले भी आप लोगों से कई बार बोल चुका हूँ कि आप लोग मानिए कि हमारी हमारी जिंदगी 100 साल की होती है, मैं कहता हूँ भगवान आपके साथ है, आप 200 साल जी जाए, तो आप लोग समझिए कि कोई 200 साल जीने के बाद भी इतिहास में नाम नहीं रहेगा। कोई आपने देखा है कि 20 साल भी जी जाता है फिर भी इतिहास में अपना नाम जुड़वा जाता है। तो मुझे लगता है कि लंबी जिंदगी होने से अच्छा है कि कम से कम हमारे कर्म ऐसे हों कि इतिहास में हम लोग रहें, हमें लोग याद रखें, फिर चाहे वो 20 साल की जिंदगी हो या 30 साल की हो। ठीक है, तो कर्म अच्छे होना चाहिए, मुझे लगता है कर्मों से सब कुछ होता है। फिर दूसरा केस है आपका महारानी बनाम बाल गंगाधर तिलक, ये 1897 का है। बाल गंगाधर तिलक पर 3 बार 1897, 1908 और 1916 में राजद्रोह के मुकदमे चलाए थे। उन पर भारत में ब्रिटिश सरकार की अवमानना करने के आरोप लगे थे। ये आरोप उनके अखबारों में लिखे व्याख्यान और भाषणों को आधार बनाते हुए तय किए गए थे। आज हम लोग बाल गंगाधर तिलक को किस तरह से याद रखते हैं, आपने देखा होगा कि हम लोग उनकी पूजा करते हैं, सम्मान देते हैं उन्हें। ठीक है, फिर आप देखेंगे महारानी बनाम मोहनदास करमचंद गांधी 1922 में। महात्मा गांधी पर वर्ष 1922 में यंग इंडिया नामक पत्रिका में राजनीतिक रूप से संवेदनशील लेख लिखने के कारण राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन पर आरोप लगे कि उनके लेख ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष पैदा करने वाले थे और उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सजा भी सुनाई गई है। आप समझ सकते हैं कि गांधी जी को भी नहीं छोड़ा गया, गांधी जी को भी नहीं बख्शा गया, इतना भयानक आप लोग स्थिति से हम लोग गुजरे हैं। आज हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हमारे अधिकार हैं, हम लोग बोल पा रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है, बहुत से लोग शहीद हुए हैं, इतने आसानी से नहीं मिले हुए हैं आपको अधिकार, समझ रहे हैं आप लोग। फिर एक आप सुनते हैं केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 का है, ये तो स्वतंत्रता के बाद का है। यह मामला स्वतंत्र भारत के किसी न्यायालय में राजद्रोह का पहला मामला था। इस मामले में पहली बार देश में राजद्रोह के कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई और मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने देश और देश की सरकार के मध्य अंतर को स्पष्ट भी किया है। बिहार में फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य केदारनाथ सिंह पर तत्कालीन सत्ताधारी सरकार की निंदा करने और क्रांति का आह्वान करने हेतु भाषण देने का आरोप लगाया गया था और सर्वोच्च न्यायालय ने केदारनाथ बाद में निर्णय देते हुए कहा कि किसी नागरिक को सरकार की आलोचना करने और उसके विरुद्ध बोलने का पूरा हक है जब तक कि वह हिंसा को बढ़ावा ना दे रहा हो। आप समझ सकते हैं कि हमें बुराई करने की पूरी एक तरह से आप ये कि छूट है, लेकिन हम लोग ऐसे भी बुराई ना करें, ऐसे भी भाषण ना देने लग जाएं कि हिंसा फैल जाए, समझ रहे हैं आप लोग। एक केस के बारे में और आप लोग पढ़ते हैं, बलवंत सिंह और अन्न बनाम पंजाब राज्य, ये 1984 का है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या वाले दिन यानी कि 31 अक्टूबर 1984 को चंडीगढ़ में बलवंत सिंह नाम के एक शख्स ने अपने साथी के साथ मिलकर खालिस्तान जिंदाबाद तथा किनारे लगाए और इस मामले में इन दोनों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इन दोनों को राजद्रोह के तहत सजा देने से इनकार कर दिया था। तो इन सभी केसों को आप लोग याद रखिए, कई बार पूछ लेता है। उपयुक्त मामलों के अतिरिक्त असीम त्रिवेदी, अरविंद केजरीवाल, अरुण जेटली पर भी राजद्रोह के मामले दर्ज हुए और परंतु विभिन्न न्यायालयों के द्वारा इन मामलों को खारिज भी कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं अरुण जेटली साहब आपके बीजेपी के नेता थे, समझ रहे हैं आप लोग, तो कांग्रेस के समय में ही उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया होगा, ये तो सीधी सी बात है। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस ने भी इसका दुरुपयोग किया है और ये सरकारें भी दुरुपयोग करती रहेंगी। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर इसे क्यों बनाया रखा गया है। इसके पक्ष में भी कुछ लोग तर्क देते हैं कि ये हमारे देश में राजद्रोह का कानून जरूरी है, क्यों जरूरी है उन्हें भी देख लेते हैं। राजद्रोह कानून के पक्ष में बुद्धिजीवियों की एक वर्ग का मानना है कि आईपीसी की धारा 124A सरकार को राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों का मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करता है। आप लोग समझिए, एक तरह से आपके पास मोबाइल है, इसका आप उपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो कानून जो बनाए गए हैं ये तो अच्छाई के लिए बनाए गए हैं कि सरकार अगर हमारे देश में कोई इस तरह के तत्व देखने को मिल भी जाते हैं कि देश की एकता अखंडता और शांति भी भंग करने की कोशिश करते हैं, देश को अलग करने की बात करने लगते हैं, तब
तब उसे रोकने के लिए, उस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कानून तो होना चाहिए। तो एक कानून अच्छा है, लेकिन इसका दुरुपयोग जब करने लगे तो आप समझ सकते हैं कि गलत है। यह लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकने के प्रयास से भी बचाता है, पर विदित है कि कानून द्वारा स्थापित सरकार का स्थायी अस्तित्व राज्य की स्थिरता की एक अनिवार्य शर्त भी है। विचारकों के अनुसार यदि न्यायालय की अवमानना के लिए दंडात्मक कार्रवाई सही है, तो फिर सरकार की अवमानना करने पर भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी इसके पक्ष में तर्क है। आज विभिन्न राज्य माओवादी विद्रोह का सामना कर रहे हैं और इनसे निपटने के लिए यह कानून भी आवश्यक है। अब इसके विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, उनके भी तर्क आप लोग सुन लीजिए। राजद्रोह कानून की आलोचना करने वाले विचारकों का मानना है कि यह गांधी दर्शन के मूल सिद्धांत असंतोष का अधिकार की अवहेलना करता है। इन सभी पॉइंटों को आप लोग आंसर राइटिंग में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। राजद्रोह कानून अनिवार्य रूप से सरकार के लिए अलोकप्रिय स्वतंत्र भाषण और स्वतंत्र विचार को दबाने का उपकरण है। मैं पहले भी आप लोगों से बोल चुका हूं कि आप लोगों को बड़ा बीच का रास्ता चुनना है। आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं करना है कि राजद्रोह के पक्ष में आप पक्ष में ही पक्ष में पॉजिटिव पॉइंट लिख दें और नेगेटिव पॉइंट भूल जाएं, तभी आपको आंसर आप लिखेंगे तो उसमें आप लोगों को क्या नंबर मिलेंगे आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए आपको बीच का रास्ता चुनना है, उसके पक्ष में भी कुछ तर्क देना है, विपक्ष में भी तर्क देना है। बड़ी अजीब सी समस्या है, आप समझिए। अभी आप लोगों से किसी से कई बच्चे ऐसे दिखने को मिल जाएंगे आप लोगों को कि उनसे आरक्षण के बारे में कुछ पूछ लीजिए आप लोग सब, तो कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आरक्षण को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं कि आरक्षण ऐसा है ऐसा है ऐसा है। कई उसके विपक्ष में मिल जाएंगे बोलने वाले, कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उसके पक्ष में बोलते हैं। तो लेकिन हम लोगों को, आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग इतिहास भी पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं आरक्षण क्यों जरूरी है, किन लोगों को ऊपर उठाने की बात करता है आरक्षण, समझ रहे हैं। तो हम लोगों को बड़ा बैलेंस बनाकर सोचना चाहिए और बैलेंस बनाकर लिखना चाहिए। और एक बात और है कि हम लोग व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी में इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग बड़ी मोटी मोटी किताबों से इतिहास पढ़ते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। धारा 124 से औपनिवेशिक विरासत का एक अवशेष है और एवं भारतीय लोकतंत्र में अनुपयुक्त भी है। यह संविधान द्वारा प्रदत्त विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपको भाग तीन में, संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, आपको कहीं एक जगह से जाने दूसरी जगह जाने की स्वतंत्रता है। लेकिन आप देखिए कि आज अगर आप लोग आंदोलन करिए, आप लोग बोलने की स्वतंत्रता है, आप लोग बोलने की क्षमता रखते हैं तो बोलते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपको पुलिस उठाकर जेल में बंद कर देती है या आप पर मुकदमे कर देती है। और इसी का परिणाम है, आप देखिए कि हमारे लोकतंत्र जो इंडेक्स आता है उसमें हम लोग नीचे से टॉप करते हैं। क्या करते हैं, हमारी स्थिति नीचे से टॉप करने की होती है। यानी कि हमारे देश में लोकतंत्र त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र है, सबसे अच्छा लोकतंत्र नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। और एक जीवंत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि उससे में सरकार की आलोचना और उसके प्रति असंतोष को भी स्थान दिया जाए, परंतु कई बार इस कानून का गलत प्रयोग ऐसा संभव नहीं होने देता है। आप समझिए कि सरकार अगर गलत कर रही है तो मुझे लगता है उसके बारे में बोलना जरूरी होता है। अब आप लोग इंदिरा गांधी के समय में जाइए, आप लोग राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, क्या उस समय भी नहीं बोलना ना बोला जाता, क्या हमें नहीं बोलना चाहिए था उस समय? तो बोलना चाहिए था, क्योंकि उस समय भी तानाशाही का रवैया दिखाया जा रहा था, ठीक है। दरअसल धारा 124 में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनकी स्पष्टता को लेकर सवाल उठते रहे। धारा 124 एक ए में स्पष्टता ना होने के कारण इस कानून के दुरुपयोग की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। कानून व्यवस्था के राज्य सूची में होने के कारण इस कानून का राज्य स्तर पर गलत इस्तेमाल किए जाने के मामले ज्यादा देखे जाते हैं। इस कानून को लागू करने वाले देश इंग्लैंड ने भी अपने देश में इस कानून को वापस या फिर समाप्त कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि जिस देश ने इसको जन्म दिया उसने भी अपने यहां से खत्म कर दिया है, जिसके कारण हमारे पास कोई भी कारण नहीं बचता कि हम इस पुराने बरसों पुराने उपनिवेशिक कानून के बोझ को भी आज भी ढोते रहे। कई बार देश में राजद्रोह कानून के अनुच्छेद प्रयोग की बात भी सामने आई है। प्रया इसका प्रयोग सरकार की आलोचना को दबाने और राजनीतिक वित्तीय रोष की भावनाओं से किया जाता है,
जो आज आपको देखने को भी मिल रहा है। इसमें आगे की राय क्या हो सकती है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिए। वर्तमान में राजद्रोह की परिभाषा अति व्यापक है, अतः इस परिभाषा को संकीर्ण करना आवश्यक है। तो इसमें केवल भारतीय भारत की क्षेत्रीय अखंडता और देश की संप्रभुता जैसे विषय ही शामिल करने चाहिए, यानी कि कोई ठोस परिभाषा होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग इसकी? कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने वाली एजेंसियों को राजद्रोह के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों की जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। अंत में गांधी जी के शब्दों में, कानून के जरिए तंत्र के प्रति समर्पण पैदा नहीं किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को या फिर तंत्र या सरकार के प्रति असंतोष है, तो उस व्यक्ति को असंतोष व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, जब तक कि वह हिंसा का कारण ना बने। तो यह पूरी कहानी आपका देशद्रोह या फिर राजद्रोह की जो भी बात होती है, जो भी कहानी है, ठीक है। इससे अगर आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं प्रीलिम्स में, तब भी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, और अगर मेंस में लिखित परीक्षा में भी आते हैं तब भी आप लोग लिख पाएंगे। और मैं कहता हूं कि अगर भारत में आप रह रहे हैं तब भी आपको इस तरह के टॉपिक के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है।